आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 देश की आवाज। हमारे चैनल की टीम पहुंच चुकी है बिहार पंचायत चुनाव के महाकवरेज के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं मधुबनी जिले के मधुपुरवा प्रखंड पंचायतों में किस तरह विकास के दावे पेश करते हुए सभी पद के प्रत्याशी अपनी झोली में वोट बटोरने में लगे हैं। आपको बता दें 15 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए कल प्रचार का आखिरी दिन है और जनसंपर्क के दौरान कुछ उम्मीदवारों ने हमारे चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर लोगों का समर्थन रहा और हम विजय होते हैं तो सबसे पहले न्याय के प्रति होगा। साथ ही युवाओं के समर्थकों का कहना है कि इस बार बदलाव की जरूरत है। देखिए कमाल अहमद प्रभारी के साथ आयुष प्रकाश की बिहार के मधुबनी जिले से बिहार पंचायत चुनाव की महाकवरेज। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जलालुद्दीन। सर ये जलालुद्दीन कौन से पद के उम्मीदवार हैं? जिला परिषद के। सर इस बार लोगों का समर्थन रहा, अगर आप जिला परिषद पद के विजयी बनते हैं तो सबसे प्रथम प्राथमिकता में कौन से काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे? सबसे पहला काम ये होगा कि जितने लोग तकलीफ में बाढ़ पीड़ित लोग हैं उस तक घर घर में आदमी बीमार पड़ते हैं उन लोगों को रास्ते पर लाते हैं लोग, लेकिन रास्ता न बनने के कारण पर सब लोग कई जगह पर मौत हो गई है और वो लोग नहीं इलाज करा पाए कि रास्ता वहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, सब जगह कटा हुआ रहता है। तो हम उन रास्ताओं को उन सड़कों को आपस में सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ करके उस रास्ता को मैं ढलाई करवाऊँगा। जान रहेगी तो हर कुछ हो सकता है, और सबसे बड़ा मामला कि जो समाज को जोड़ने का काम करता है वो काम मैं करूंगा, तोड़ने का काम न कभी किया हूं न कर सकता हूं, और हमेशा ये समाज के दरमियान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भाईचारगी है उसको मैं बरकरार रखा हूं और आइंदा भी मैं रखूंगा। सर नौजवानों के लिए क्या सोचा आपकी? नौजवानों के लिए जो भी समस्याएँ हैं, जैसे उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, हम बिहार गवर्नमेंट से अनुरोध करके अपील करके उसका स्कॉलरशिप दिलवाएंगे। जहाँ तक कॉलेज की लड़कियाँ हैं, जो लड़के हैं उसका जो भी सम्मानित चीज़ें सरकार से उपलब्ध कराने की बात आएगी तो सब हम उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। शिक्षा डिपार्टमेंट में जो भी लोग गरीब है उसको मैंने कल भी मदद किया है और आज भी मैं मदद करूंगा ताकि हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़ें और आगे चल करके अपना मधुबनी जिला और अपने बिहार और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। सर यहाँ के लोगों का कहना है कि कोरोना काल के समय में आप किसी पद पर न होने के बावजूद भी आपने गरीबों की काफी सारी गरीबों को बांटा है। 2000 पैकेट मैंने बांटे हैं, उस 2001 पैकेट में मैंने 5 किलो चावल और 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 2 किलो तेल, 2 किलो चना, 1 किलो सोयाबीन, आधा किलो दूध और 1 पाव चाय पत्ती हर पैकेट में रख करके मैंने बांटा है। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? बेचन शाह। ये कौन से पंचायत के कौन से पद के उम्मीदवार है? बासुकी बिहारी उत्तरी सरपंच पद से। जी मतलब क्या उद्देश्य लेके लोगों के बीच से वोट मांगने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं? हमारे समाज में न्याय व्यवस्था हो, मानवता हो, सामाजिकता हो, नैतिकता हो और मानवता हो, इसलिए मैं अपने पंचायत में आया हूँ और सब धर्म को जो है ना उचित सम्मान मिले और न्याय मिले, इसलिए मैं आया हूँ। सर लोगों का समर्थन अगर जो है मतलब पद पे विजयी होते हैं तो सबसे प्रथम प्राथमिकता में अपने समाज के लिए क्या काम करेंगे? न्याय व्यवस्था, न्याय। जैसे क्या? जैसे कि झगड़ा हो, झंझट हो, उसमें जो है ना उचित लाभ दिया जाए, कोई मतलब जो झंझट न हो, किसी प्रकार का जो लड़ाई न हो। मेरा उद्देश्य रहेगा कि कोई भी भाई भाई हो या कोई भी मतलब समाज हो या जमीनी विवाद हो वो सबसे पहले समाप्त किया जाए। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी गांव से थाना ना जाए, कोर्ट कचहरी ना जाए। हाँ सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फेकन मंडल हुआ। सर यहाँ के जो युवा है क्या चाहती है? यहाँ के युवा चाहते हैं बदलाव हो, और बदलाव बहुत ज़रूरी है इस समाज में, और बदलाव के साथ साथ यहाँ का कानून व्यवस्था न्याय वो सब कुछ कायम रहे, कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला ना हो, सब यहीं पे सामाजिक में यही सही तरीके से यहीं सुलझाया जाए, यही का यहाँ का युवा का यही सोच है, यही विचार है। इसी के साथ हम लोग आगे निकले हैं, जनता यही चाहती है यहाँ के। चलिए ठीक।